बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल, कई लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। बाराबंकी से रजीत सिद्दीकी की रिपोर्ट। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये घटना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज की है। इन लोगों ने कल देशी शराब के ठेके से शराब लेकर पी थी, लेकिन ठेके वाले ने उन्हें मिलावटी शराब दे दी। शराब पीने के बाद अचानक इन लोगों को दिखना बंद हो गया और इनमें से 10 की मंगलवार सुबह तक जान चली गई। इस दर्दनाक घटना से कई घरों में तो शवों को कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा। बताया जा रहा है कि यहां पर दानवीर सिंह की एक देशी शराब की दुकान है। इसी दुकान से सोमवार रात आसपास गांव के कई लोगों ने शराब लेकर पी थी, जिसके बाद इन लोगों की हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कुछ की घर पर मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 4 एक ही परिवार के थे। इलाके के 3 भाई रमेश, मुकेश, सोनू के साथ उनके पिता छोटेलाल की मौत इस घटना में हो गई। इसके अलावा आसपास के कई गाँव के लोग की जान चली गई। बाराबंकी से वजीर सिद्दीकी की रिपोर्ट। सीएम योगी ने कार्रवाई के नाम से दिखावा होता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी, जिससे कम से कम नकली शराब बेचने वाले और शराब माफिया की हिम्मत न हो कि कोई दूसरी घटना दोबारा।